नमस्कार शुभ सकाळ सहित सकाळ रो प्रथम खबर को स्वागत करछि मुजनमई प्रथमे हेडलाइंस यूरोप गस्तर द्वितीय पर्याय रे स्कॉटलैंड रो ग्लास्गो रे पहुंचिले मोदी जाति संघर जलवायु संपर्कित सम्मेलन COP26 रे जोगदेवे प्रधानमंत्री भारतर जलवायु कार्य योजना उपरे करिपारंती आलोचना ब्रिटिश प्रतिपक्ष बोरिस जॉनसन को सह हेबो द्विपाक्षिक आलोचना आजठू राज्य में लागू हेबो नवंबर गाइडलाइन पौराचल बलबत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू सकाळ 5टारु राति 10टा जाए खोला रहिबो दुकान बजार कटकणा माने पर्वपर्वाणी पालन करिबाकु गाइडलाइन रे निर्देश हाजत मृत्यु घटना रे गोविंद कुभारों परिवार को क्षतिपूर्ण सह शिक्षेत्री ममिता परिवार को न्याय दाबी बीजेपी पक्षर बरगढ़ में आज 8 घंटिया बंद डाकरा सेपटे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार दाबी रे जाजपुर जिलापाल ऑफिस केन्द्रछर में एसपी ऑफिस घेरब बीजेपी 1971 मसीह पाकिस्तान उपरे भारत विजय लाभर 50 वर्ष पूर्ति भुवनेश्वर विभिन्न स्थान परिक्रमा करुछि स्वर्णिम विजय मशाल आज राजधानी स्थित सैनिक स्कूल रे विजय मशाल पहुंचा सहित अनुष्ठित हो स्वतंत्र कार्यक्रम उपस्थित रहिबे गणशिक्षा विभाग सचिव अपपुष्टि यंत्रणारु मुकुली पारुनी सुंदरगढ़ दमा कुगा दुई वर्षर पुओ को बचाइबा 17 दिन संघर्ष पर घर को फेरी गांव इंदुमती विड़ंबना निज घर नुहे पड़सा घरे छोट पिला को धरी मुंड गुंजी इंदु दमाल गांव देखा अर्गस न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट चार वर्ष बयस कुनी बाळकर क्रिकेट निशा नियारा रही बैटिंग अंदाज सबु दिगरे शॉट मारिपारे से दुरंधर आगक बड़ हो भारतीय क्रिकेट टीम पर खेल रही लक्ष्य चर्चा रे राजधानी क्रिकेट किड आडविक जेना निराश कला विराट वाहिनी लगातार द्वितीय मैच रे हारिला भारत न्यूजीलैंड भारत शोचनीय पराजय भारत को 8 विकेट रे परास्त कला क्यूई टीम मौलिला टीम इंडिया सेमीफाइनाल आशा एथर संपूर्ण खबर प्रधानमंत्री यूरोप गस्तर द्वितीय पर्याय आरंभ जाति संघर जलवायु संपर्कित सम्मेलन में जोगदेवाक स्कॉटलैंड ग्लास्गो सहर में पहुंचले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही गस्त समय जाति संघर जलवायु संपर्कित अधिवेशन COP26 में जोगदेवे प्रधानमंत्री एही कार्यक्रम में विश्वर प्राय 120 देशर राष्ट्र मुख्य माने जोगदेवे जमापड़ भारतर जलवायु कार्य योजना विषय एही शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे यहापर ब्रिटिश प्रतिपक्ष बोरिस जॉनसन को सह मध्य प्रधानमंत्री द्विपाक्षिक आलोचनार कार्यक्रम रही सूचना मिली सेपटे मोदी मोदी नारे कंपिला ग्लास्गो जातिसंघर जलवायु संपर्कित जातिसंघर सम्मेलन में जोगदेवाक जा प्रधानमंत्री मोदी को ग्लास्गो रे प्रवासी भारतीय माने भव्य स्वागत जनाइछन्ते एयरपोर्ट रु जाई मोदी होटेल रे पहुंचबा परे सेठारे उपस्थित प्रवासी भारतीय माने मोदी को देखी उत्साहित होइछन्ते एही समय रे प्रधानमंत्री मध्य सेमानक सह आलोचना करथिबा देखिबा को मिलिछ Modi ji come to Scotland and we are very 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 excited about it looking forward to it very happy to see him yeah what excited you can see on my face bahut zyada excited hai hum sabhi ek glasgow indian group ko represent karte hain jo group of it professionals hain और हम सभी यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों की मदद करते हैं भारत से भी जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं चाहे कोविड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा मदद करी है जो लोग स्ट्रगल थे स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे थे हमारा एक नारा है भारत के बाहर भारत का निर्माण इस नारे को लेके हम लोग सब साथ में चल रहे हैं जो भी भारतीय है, किसी भी तरह की परिस्थिति में स्टक कर लेते हैं वो हमें रीच आउट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू ग्लास्गो इंडियंस उसका नाम है @ग्लास्गो इंडियंस एंड वी ट्राई टू हेल्प देम कल की बातें कल की बात पुरानी मोदी जी के लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी जय
आजिठो राज्य में लागू हेबो नवंबर गाइडलाइन। नवंबर पर गाइडलाइन जारी करिसेंते राज्य सरकार, तबे पूर्व मास भले नवंबर मास गाइडलाइन रे मध्य विशेष परिवर्तन होइना ही। एही गाइडलाइन डिसेंबर 31 जाय रहिबो। पूरा अंचल रे बलबत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू, राति 10टा रु सकाळ 5टा जाय नाइट कर्फ्यू बलबत्तर रहिबो। सेपरि राज्य रे सप्ताहांत शटडाउन लागू हेबो नाही, सकाळ 5टा रु राति 10टा जाय सब खुला रहिबो। सेपरि आगको दीपावली काली पूजा को लक्ष्य करि कटकणा जारी करा जबो। कटकणा माने पर्व पर्वाणी पालन करबाकु गाइडलाइन निर्देश दिया जाए। बाण बिक्री और फुटाइबा उपरे स्वतंत्र नियमावली आसीबो बोली कहा जाए। आज सकाळ 6 दिन 2टा जाए बीजेपी पक्षरु 8 घंटिया बरगड़ बंद डाकरा दिया जाए। बरगड़ टाउन थाना हाजत मृत्यु घटना सहित कलाहांडी शिक्षयत्री ममिता मेहर मृत्यु घटना को नहीं एही बंद डाकरा दिया जाए। हाजत मृत्यु घटना रे अभियुक्त पुलिस कर्मचारी मानकु तुरंत गिरफ करा जाउ एवं गोविंदक पत्नी को क्षतिपूर्ण देवा सहित सरकारी चाकरी प्रदान करबाकु बीजेपी पक्षरु दाबी होईछे। सेपरि ममिता मेहर हत्याकांडर समस्त अभियुक्त मानकु गिरफ करबा सहित हत्याकांड षडयंत्र रे संप्रक्त थिबा गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर बहिष्कार दावी करा जाई छी। अनेपटे घटना रे आज पूर्वान 11टा समय रे बीजेपी पक्षरु जाजपुर जिलापाल ऑफिस घेराव करबाकु थिबा बळे केन्दुचर रे मध्य ममिता मृत्यु घटना एवं अन्य तीनोटी दावी को नै एसपी ऑफिस घेराव करा जिवो बोली जणा पडि छी। ए बाबद रे अधिक सूचना पई हम सहित जोडी होचंती हम प्रतिनिधि मनीष शर्मा बरगटरु जोडी होचंती। मनीष, वर्तमान जहां सूचना आसी पहुंचला जे 6 आज स्ट्राइक आरंभ करिसेंती बीजेपी कर्मी माने एवं गोविंद साहू गोविंद जे रहितिले बरगड़ हाजत मृत्यु घटना रे खास करी कुंभार परिवार को केमती न्याय मिलबो से नै कि मध्य आज स्ट्राइक करा जाउची। वर्तमान स्थिति कोन रहिची बरगड़? निश्चित रूपे चिन्मय, आम जदि कह जो बहु चर्चित हाजत मृत्यु घटना रही बरगड़ गोविंद कुमार को जो हत्या करा जाइतला जो बोली अभियोग आसीतला पिटीपिटी टाउन थाना भितर मारी दे जाइतला परिवार को न्याय एवं तांको पत्नी को सरकारी चाकरी क्षतिपूरण यही सब दाबी नहीं कि आज बरगड़ बीजेपी तरफ जिला बरगड़ जिला बंद डाकरा दिया जाए। सहित जो ममिता मेहर जो हत्याकांड घटी से ही हत्याकांड को लेकिन मध्य आज बीजेपी लगातार 6 सकाल 6टा नहीं कि 2टा पर्यंत 8 घंटिया बंद डाकरा दिया है। आपको सीधा सलख चित्र देखिए जो बीजेपी कर्मी अच्छा से आंदोलन करुँचे रास्ता अवरोध करके रखे जो समस्त दुकान बजार गुड़िक रही से दुकान बजार गुड़िक भी बंद करें सीधा सलख प्रतिक्रिया ने मैडम कौन कह आज आपण मैंने 8 घंटिया बंद डाकरा दे जो भी भाव में गोविंद कुंभार को न्याय दाबी और जो ममिता मेहर केस होता न्याय दाबी आपण मैंने आंदोलन में ओह्ल निश्चित भाव आज का बरगढ़ जिला सारा बंद डाकरा दिया है 6 बजे नु 2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी तरफ नु आमर जेन दाबी रही है गोविंद कुमार को न्याय सीबीआई तदन ममिता मेहर घटना जेन बलांगीर जिला थी नहीं जेन झीओ गुटे उपरे जेन प्रकार अत्याचार करा जाइछे से उपरे मंत्री को इस्तीफा दाबी नहीं कर आज का भारतीय जनता पार्टी बंद डाकरा दे निश्चित रूपे ऐसा क्या कहे जेहेतु आज 8 घंटिया बंद डाकरा दि जाइए आप तरफ आंदोलन कराई तो कण कण आपण मान मुख्य दाबी रही देखो जो भली भाव वर्तमान सरकार न जणा न जाणिला भलिया कार्य निंदनीय आम जानी ममिता मेहर हत्याकांड हो गोविंद कुमार हत्याकांड हो सरकार को नीरवता प्रशासन रो नीरवता पुलिस रो नीरवता ये लोक मान भितरे शंका रही जो पर्यंत न्याय न मिली भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को रही आप देखुं जो भली भाव लोक मान जनसमर्थन रही है स्वतप्रत जनसमर्थन वास्तव में लोक मैंने भी चाहते जे ममिता मेहर को न्याय मिलू गोविंद कुमार को न्याय मिलू एवं लोक मैंने भी आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव समर्थन करेंगे और सरकार के विरुद्ध से निश्चित रूपे आम सहित जिला सभापति अच्छे प्रतिक्रिया ना कौन कहे जो बंद डाकरा दी आज देखो बरगड़ आम 8 घंटा पर्यंत आम बंद डाकरा देचु मुख्यतः 2टा कथा आज बंद डाकरा दिखाई जे मासे आगु ये हाजत रे मृत्यु है गोविंद कुमार रो पुलिस आज पर्यंत कौन प्रकार पदक्षेप नेला नहीं आज पर्यंत एफआईआर भी लॉन्च कला नहीं अभियुक्त पुलिस अफिसर मान विरुद्ध अपरपक्ष जो मैंने शांतिपूर्ण उपाय आंदोलन करुले विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पुलिस ए आम बारंबार ये आंदोलन कलु विभिन्न संगठन भी आंदोलन कले कि सरकार किसी कहार कथा शुणिला ना दमन कला उल्ट आज ममिता मेहर जो ममिता मेहर हत्याकांड हो ये कैप्टन
मिश्र तांकर पूर्णा हात अछि। आमे अनुरोध करूछु मुख्यमंत्री को तुरंत बहिष्कार करंतु कैप्टन को जे दिव्यशंकर मिश्र को ये दुईटा कथा आज आम बरगढ़ बंद देचु। आपड़ देखिथे पूरा स्वतप्रभूत भाव में आज पूरा बरगढ़ बंद अच्छी सका छटू दुईटा पर्यंत पूरा बंद रु अनुष्ठान आमको लिखित भाव में आज आम बंद करूँ बोलिक आपड़ देखु कौ प्रकार प्रतिक्रिया लोक मान भी अच्छी आए सरकार जो पर्यंत थमती कम चली थे लोक मानदन आज कर दीपावली ठीक आगु आम यहाँ बंद करुचु से आपण मध्यम थोड़े क्षमा भी प्रार्थना करुचु जेहेतु गोटे बड़ इश्यू हो ये दुईटा इश्यू जो पर्यंत सरकार न शुणी एक कैप्टेन को कैप्टेन मिश्र को बरखास्त न करेंगे एवं अभियुक्त पुलिस अफिसर मैंने जो बरगढ़ अच्छा विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण न करेंगे से पर्यंत आंदोलन आम जारी रखु दीपावली पर पुणी ये आंदोलन को तीव्रतर करूँ जो पर्यंत गोविंद कुम्हार परिवार को न्याय मिली ना ममिता ममिता मेहर परिवार को न्याय मिली ना आम ये सीबीआई तदंत भी दुई केस रे सीबीआई तदंत आम दाबी करीचु निश्चित रूपे चिन्मय सुनुतले निश्चित रे मनीष जा सुनुतले एवं चित्र देखुतले जे आजिर बंद को नेकि मध्य जनसमर्थन रहिछे कारण बरगढ़ वासी मध्य समान दाबी करुछन्ते जे वर्तमान सहित कुंभार परिवार को न्याय मिलवा सहित ममिता को मध्य न्याय मिलु एवं घटना रे सीबीआई तदंत हेउ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपनकर तमाम चित्र पाई। आसवा परवर्ती खबर को 1971 मसीह पाकिस्तान उपरे भारत विजय लाभर 50 वर्ष पूर्ति पालन करलक्षे वीर जवान को प्रदर्शन लगी भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में स्वर्णिम विजय मशाल परिक्रमा करम स्वर्णिम विजय मशाल आज भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल में पहुंचो जमापड़ी एने सका सैनिक स्कूल में सका 9 समय स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर अक्टोबर 29 राजधानी भुवनेश्वर में पहुंची विजय मशाल नवेम्बर 3 तारीख पर्यंत भुवनेश्वर 4 तारीख में कटक रहा 1971 युद्ध में अंशग्रहण कर वीर जवान मान गृह को विभिन्न समय रे यात्रा कर बुलेटिन समय एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर जारी रहा खबर ब्रेक परे स्वागत। आज पुरीवासी स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था आरंभ हो श्रीमंदिर प्रशासन नूतन मार्गदर्शक अनुजाई आज पुरीवासी पश्चिम द्वार दे श्रीमंदिर जिबे और महाप्रभु दर्शन कर उत्तर द्वार दे प्रस्थान करिबे किंतु तमाम दर्शन व्यवस्था कोविड कटकणा माध्यम अनुष्ठित हो पूर्वपरि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट किंवा टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र देखा बाध्यतामूलक पूर्व केवल सिंहद्वार श्रीमंदिर को प्रवेश व्यवस्था हो भक्तों लंबा लाइन लगुला और पुरीवासी से ही लाइन में सामिल होते किंतु बारंबार विभिन्न संगठन पक्ष दावी पर आज पुरीवासी नुआ दर्शन व्यवस्था आरंभ हो पश्चिम द्वार निकट में क्योस्कर व्यवस्था होता बेले स्थानीय अधिवासी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट किंवा टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र निजर परिचय पत्र देखा श्रीमंदिर को प्रवेश करें तेज प्रशासन एभली नुआ एसओपी को स्थानीय अधिवासी स्वागत कर ए बाबद अधिक सूचना पाई पुरी आम सहित तो जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती आलोक टिके पुरी परिसर बा जगन्नाथ मंदिर परिसर चित्र देखा जे आज पुरीवासी जो नुआ एसओपी माध्यम रे दर्शन व्यवस्था होती तार निश्चित चिन्मय आप जानते पुरीवासी मानकर दीर्घ दिन दाबी थिला सेमाने किभली भाव में श्रृंखलित भाव में महाप्रभु दर्शन करेंगे आपड़ जानते पूर्व वर्तमान पर्यंत सिंहद्वार दर्शन व्यवस्था आरंभ हो सिंहद्वार भक्त श्रद्धा दर्शन करा सहित पुरीवासी सिंहद्वार दर्शन करते कि विभिन्न संगठन दाबी करते जगार चारिद्वार उन्मुक्त करने को पुरीवासी कि प्रशासनिक स्तर में निष्पत्ति नियागला केवल पश्चिम द्वार दे पुरीवासी को दर्शन करार सुजोग दिए पूरापूरी दृश्य प्रथम मुझे देखिए आप जानते समस्त इच्छा था पुरीवासी इच्छा था महाप्रभु दर्शन करने गोटे स्वतंत्र मार्गदर्शिका प्रस्तुत कराऊ तो से ही परिप्रेक्षी वर्तमान पश्चिम द्वार पटे आप जानते पुरीवासी जा महाप्रभु दर्शन करेंगे बोली प्रशासनिक स्तर में निष्पत्ति होती यह हूँ तार सीधा सख दृश्य आप जानते सिंहद्वार पाखे जो भाव कियोस्क कराइला पश्चिम द्वार पाखे ठीक से भाव कियोस्क कराई पूरापूरी कोविड कटक चिन्हे जहाँ आप सूचना दूसरे टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र हो कि आम कहीपरिया कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो सहित परिचय पत्र को
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଓସ୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଫଟୋକୁ ସ୍କାନିଂ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ ମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀ ସାମିଲ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହବିଷ୍ୟାଳି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧକ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ଯାହା ପରିଲିଖିତ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ବୋଧ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ହୁଅନ୍ତା ଯେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରା ପୁରୀବାସୀ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରା ପୁରୀ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ନିକ୍ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଉ ବାଧକ ସାଜିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀବାସୀ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି କ୍ରାଉଡ଼ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋତା ଚପଲ ହେଉଛି ସେଠି ବା ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ପତ୍ରରୁ ହେଉଛି ଆମର ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ସଚେତନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲୋକ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରିନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଣାଇ ଦେଇ ସାରିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ହିଁ ପୁରୀ ଲୋକ ବାଟେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯାହା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ପୁରା ପୁରୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କେବଳ ପୁରୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ଯିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଲାଇନ୍ରେ ଆସିକରି ବି ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଆମର ଦେଖାଉଛୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛୁ, ଡବଲ ଟିକେଟ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାର ବା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଭିନ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ କୋହଳ ଥିବାବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଟିଂରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିଲେ ଜନତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମ କାନୁନ ମାଫ, ହେଲେ ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ସାଫ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ 2018ରୁ ନାହିଁ, କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ କିଏ କରିବ? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଟିଂରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିଲେ ଜନତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମ କାନୁନ ମାଫ, ହେଲେ ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ସାଫ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ବୈଠକର, ଯେଉଁଠି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ରାଣୀ ପେଣ୍ଠଗଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସିନେମା ହଲ୍ ଛକରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ତିନି ତିନୋଟି ମିଟିଂ ବସିଲା, ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ 2018ରୁ ନାହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ କିଏ କରିବ? ଏପରିକି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତିନି ତିନିଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ହେଲେ କେହି ବି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଫାଇନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠୁ
लक्ष लक्ष टंका आदाय करबा को अधिकार देला किए बोली प्रश्न करथिले। राणीपंठा गोडा पूर्वरु सेठी भी रास्ता खराब अछि, काली मंदिर पाखर रास्ता खराब अछि, सिनमाल छकर मध्य रास्ता खराब अछि। आपण जेरा किछ करि पाले तीन दिन मीटिंग इन्श्योरेंस नथले 10,000 पोल्यूशन नथले 2,000 वर्ष को 12,000 सर आपण जेतले कहले ता पूर्व किछ समय पूर्व सरकारी गाड़ी तीनटा गाड़ी गला केही भी बेल्ट यूज कर नथले आपण टंकाडी फाइन पके नांती मु देखिछि दरकार पड़े वीडियो अछि किंतु आपण साधारण जनता को लक्ष लक्ष टंका काई फाइन आदे करे आपण ए अधिकार किए देला जदि आम शहर उन्नति आपण माने करि पार नांती फाइन पके पे अधिकार किए देला आपण। सेपर व्यक्ति जनक कहिथिले 3 वर्ष रे केतटा गाड़ी सीज करा जाइछि एही प्रश्न विधायक और जिलापाल पचारिथिले उत्तर सिविल सप्लाई वाला दिले कि आम पाखरे डाटा नाही आम जिला प्रशासन एमिति चलीथिबा कहि व्यक्ति जनक अतिरिक्त जिलापाल आरंभ कर विभागीय अधिकारी को चुप कर देथिले। सेपटे एभली प्रश्न उपरे अतिरिक्त जिलापाल कहिछन्ती एने निश्चय कार्यानुष्ठान हेबो। सर आउडे विधायक प्रश्न पचारे जिलापाल को 3 वर्ष रे केतुरा गाड़ी सीज कराई केतुरा बस को केते फाइन कराई उत्तर देला किए सिविल सप्लाई वाला जे आम पाखे डाटा ना आम जिला प्रशासन एमती चलती कौन बाहर सोशल मीडिया रे 4,00,000 फाइन आदाय कल। तेरे गत 26 तारीख दिन परिवहन नियम कड़ाकड़ी करिबा सह विभिन्न सड़क दुर्घटनार परिमाण जपर ह्रास पाइब से नहीं बैठक बसला एटि प्रश्न सरकारी अधिकारी सब नियम कानून कोहल थिबा बेले जनता को कहीं नुहे गजपति जिला प्रशासन रिभलिया काम मीटिंग रे अभियोग आसवा पर हेब तो कार्यानुष्ठान ना खाली कथा दे पर भूली जिबे। गजपति जितेन्द्र बारिकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दिने संबलपुरी कपड़ा कहिले लोके साड़ी को ही बुझुथिले एबे संबलपुरी डिजाइन रे मिलुछि नाना प्रकार रो सामग्री। टिटलागड़ रो जणे एमबीए डिग्रीधारी युवक संबलपुरी धारा को प्रचार प्रसार कराइबा लक्ष्य नै टिटलागड़ रे खोलिछन्ती एसपीयू क्रिएशन ना रे भिन्न एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान। एठारे मिलुथिबा प्रत्येक सामग्री रो मिलुछि संबलपुरी कलाकृति रो सौरभ। टिटिलागड़र सीतम सागर बेदबाक संबलपुरी डिजाइन को लोकप्रिय करने आरंभ करिछन्ती भिन्न एक प्रयास। निजर एमबीए शिक्षा परे टिटिलागड़ बजारे संबलपुरी पिंधना ओढ़ा क्रिएसन ना खोली निरा एक व्यवसाय प्रतिष्ठान। निजर जीविका सहित संबलपुरी वस्त्र और सामग्री गुड़िकर प्रचार प्रसार दिगरे जत्नशील अछन्ती सीतम। तांकर ही स्टोर रे बछा बछा नुआ डिजाइन नो पीओ कॉटन संबलपुरी साड़ी समेत अन्यान्य बहुत सामग्री संग्रहित होई बिक्री उद्देश्य रे रहिछि। सीतम कहंती संबलपुरी बयन शिल्प दिने साड़ी रे सीमित थिला एबे समय सहित ताल दे व्यवहार व्यापक होइथिबारु एगुडीक प्रति दृष्टि दे संबलपुरी डिजाइन रे नाना प्रकार सामग्री को प्रसार करबा आवश्यकता अनुभव करी एभली एक वृत्ति रे पाद थापिछि। केवल स्टोर रे नुए ऑनलाइन जरिया रे मध्य जग देबार व्यवस्था करिछंती सीतम। आगु आपण माने देखुथबे संबलपुरी साड़ी आउ कपड़ा रे सीमित थिला आमर हैंडलूम किंतु एबे देखवार के पाइबे बहुत नुआ नुआ जिनिस जेंता कि आके दीपावली आउछे तो एसपीयू क्रिएशन तरफ संबलपुरी दीप बना जाइछे आउ जेंता कि देशर कोनो अनुकोनो के आमे इनु पठोउछू आउ तार संगे सा आपण पाइबे मोबाइल कवर पाइबे माने पॉपअप सॉकेट पाइबे सुंदर सुंदर वॉल हैंगिंग माने पाइबे सेथरे आपण संबलपुरी पेंटिंग्स माने पाइबे। श्री जितेंद्र मिश्र आज्ञा भी आमर कला संस्कृति के विश्व दरबार रे बहुत भाव प्रचार प्रसार करुछन तार संगे संगे आम आई लव टिटलागड़ जैकेट गोटे बनईलु जेनटा कि से एबे रिसेंटली किछि दिन आगु दुबई रे गोटे कार्यक्रम रे पिंधिथिले और सेटा सेना उच्च प्रशंसित हेतिला। सीतम निज दोकान रो प्रवेश पथ को संबलपुरी डिजाइन ने सजाइछन्ती भितरे थाको गुड़िक सजाई रखिछन्ती पसापाली डिजाइन ने प्रस्तुत सुंदर और आकर्षणीय कप। दिवाली उत्सव में आनंद और आलोकर स्पर्श देवाई विभिन्न आकार रंगीन संबलपुरी माटी दीप और होम डेकर मान स्थान पाई ही नियारा दुकान में वाल हैंगिंग ठारु बैग कुशन ठारु कुर्ती जाए सबु एठारे मिलिथुबारु संबलपुरी सामग्री प्रेमी मानक भिड़ देखिबाकु मिलुछि। छोटो पिलांक पाई कार्टून सीरीज रो डोरेमन और नुआ डिजाइन रो गणित साड़ी सांग को गंगाधर मेहर और समलेई को विग्रह ग्राहकों को एठाकु टाणी आनिछि। आमर संबलपुरी कपड़ा जितने पिंधिक अन्य राज्य मान अन्य राज्य स्टेज स्टेज में जो परफर्म करुँ बहुत गर्व अनुभव हैसी
ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବକର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଜିନିଷ ଥାଏ। ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଲୋକ ସେପରେଟ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେପରେଟ୍ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମଟାକି ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭାରତ ଲୋକ ସେମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିକରି ବି ଆମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କେ, ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍, ଆମର କଲଚର୍କେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। କୁର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବା। ତ ଇଭିନ୍ ମୁଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେନ୍ତାକି ଆମ ଘରେ ମୁଇଁ ଇଭିନ୍ ମାନେ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେସ୍ ହେଲା, ସବୁକିଛି ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି। ତ ଏସ୍ପିୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବାର ଲାଗି ଇଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନିଜେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜେ ଯେନ୍ ଜିନିଷକି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯାଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇନ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଯେତେ ବି କମ୍ପାନୀ କଟନ୍ କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ସେଥିରେ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ବି କେନ୍ ଲଗେ ବି କିଛି ମିକ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତ ହାତ ବୁଣା, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଉପରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିଣ୍ଟକେ ଯେତେ କଟନ୍ରେ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୁରା ପିଓର କଟନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆରି ବହୁତଟେ ସାମାନ ମୁଇଁ ଘିନିଛେ ବି। ଆରୁ ଏଥର ଦିୱାଲୀ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଦୀପ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରସାର ଜରିଆରେ ସୀତମ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।